गंगा रक्षा संबंधी मांगों को लेकर मातृ सदन में कुछ दिन पहले कई पर्यावरण रक्षक जुड़े। इस दौरान सभी लोगों ने ये तय किया कि वो इस आंदोलन को धार देने के लिए देश भर के पर्यावरण प्रेमियों को एकजुट करेंगे। इस मौके पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन के प्रति गंभीर नहीं है। आंदोलन में 500 से ज्यादा व्यक्तियों ने जान गंवाई। ऐसे में मातृ सदन के ब्रह्मचारी आत्म बोधानंद के आंदोलन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश में वही हम मान सकते हैं कि 70-80% आबादी तो ग्रामीण इलाके में रहती है, उसकी आजीविका सीधे नहीं तो परोक्ष रूप से कृषि पे निर्भर है। तो सरकार जब किसानों की बात नहीं सुन रही है 9 महीने से, तो हम तो ये अपेक्षा ही नहीं कर सकते कि वो कुछ साधु जो यहाँ अनशन पे बैठे हैं उनकी बात सुनेगी। मातृ सदन के आंदोलन को धार देने के लिए उन्होंने गंगा और पर्यावरण प्रेमियों से एकजुट होने की अपील की है। वहीं मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने कहा कि मातृ सदन के आंदोलन को देश भर में चलाने के लिए आज इस सम्मेलन में लोगों ने संकल्प लिया है कि वो इस आंदोलन को और तेज करेंगे। गंगा की अविरलता और निर्मलता की मांग को लेकर मातृ सदन के संतों ने काफी बलिदान और त्याग दिया है। गंगा की रक्षा के लिए मातृ सदन की लड़ाई कई साल से चल रही है, लेकिन 2011 में निगमानंद की अनशन के बाद हुई मौत की घटना ने कई लोगों को उनके साथ जोड़ दिया। दरअसल निगमानंद पहले भी गंगा के दोहन के खिलाफ सत्याग्रह कर चुके थे। एक बार तो उनका अनशन 72 दिन और 115 दिनों तक चला था, लेकिन 19 फरवरी 2011 में मातृ सदन में शुरू हुआ उनका अनशन 68 दिन तक चला था, जहां उनकी तबीयत बिगड़ने पर प्रशासन ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें 2 मई को हिमालयन इंस्टीट्यूट जॉलीग्रांट अस्पताल रेफर कर दिया गया। जॉलीग्रांट में भी निगमानंद की स्थिति में सुधार नहीं आया और वो कोमा में चले गए। 13 जून की रात को उनकी मौत हो गई। इसके बाद 2018 में जीडी अग्रवाल स्वामी सानंद गंगा के लिए विशेष एक्ट बनाने की मांग को लेकर 112 दिन तक अनशन पर रहे। इस दौरान उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी और उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनका निधन हो गया। दिसंबर 2019 में गंगा की अविरलता की मांग को लेकर साध्वी पद्मावती मातृ सदन में अनशन पर बैठी थी और उन्होंने 47 दिन तक अनशन किया था। तबियत खराब होने पर उन्हें दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। और फिर हम भी अपने न्यू जनरेशन को एक संदेश देना चाहते हैं कि नारी भी इस गंगा माँ के लिए तप। हम लोग तो साधु हैं, इसलिए शरीर से अनशन रूपी तप कर रहे हैं, लेकिन समस्त भारतवर्ष सबके लिए अगर तपस्या अनशन नहीं है, सब अपना अपना क्षेत्र में रह के तपस्या करे, जो भी कार्य करेगा वो तपस्या ही कहलाएगा। इसी साल गंगा की अविरलता और निर्मलता की मांग को लेकर मातृ सदन में 23 फरवरी से केरल के संत आत्म बोधानंद अनशन पर बैठे थे। 8 मार्च को उन्होंने जल भी त्याग दिया था। इसके बाद उनके स्वास्थ्य में गिरावट आना शुरू हुई तो प्रशासन ने उन्हें वहाँ से उठाकर अस्पताल पहुँचाया। फिर से आत्म बोधानंद ने 18 अगस्त से अनशन शुरू किया है और उनके अनशन को आज 36 दिन हो गए हैं। मातृ सदन के द्वारा गंगा की निर्मलता को लेकर आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है। मातृ सदन ने सरकार के सामने ये मांगे रखी हैं। पहली मांग, 2017 में स्वामी निगमानंद की हत्या मामले के आगे जांच के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन हो और तत्काल सीबीआई इस मामले में आगे की कार्यवाही करे। दूसरी, 2018 में स्वामी सानंद जी की हत्या मामले की जांच के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन हो और तत्काल इस मामले के सत्य को सबके सामने लाया जाए। तीसरी, 2020 में साध्वी पद्मावती जी के साथ हुए घटनाक्रम की जांच के लिए एक महिला जांच अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन हो और तत्काल इसमें कार्रवाई की जाए। चौथी, जिला न्यायालय हरिद्वार में मातृ सदन के जितने भी मुकदमे लंबित हैं उन पर एक विशेष पैनल बनाकर तत्काल सुनवाई हो। पांचवी, गंगा को लेकर सरकार द्वारा मातृ सदन को जितने भी आश्वासन दिए गए हैं उन्हें पूरा करे। जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया द्वारा राज्यसभा में 3 जुलाई
2019 को मातृ सदन को दिए गए सारे आश्वासनों को प्रशासन तत्काल लागू करे। छठी, हरिद्वार में बीते कुछ वर्षों में माफिया, राजनेता, पुलिस प्रशासन और अब तक यहां के जिला न्यायालय के कुछ जज एवं मजिस्ट्रेट का जो गठजोड़ हो गया है, उसके लिए केंद्र सरकार तत्काल एक पैनल बनाकर इनके खिलाफ जांच बिठाए। आने वाले दिनों में गंगा की रक्षा के लिए मातृ सदन द्वारा किए जाने वाला देशव्यापी आंदोलन क्या गंगा नदी को उसका हक दिलाएगा या नहीं, ये कहना तो कठिन है, लेकिन इतना जरूर है कि अब मातृ सदन का आंदोलन केवल हरिद्वार तक ही सीमित नहीं रह जाएगा।